नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सना नजीर। आज हम बनाना सीखेंगे दही बड़े। इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं: दही आधा किलो, नमक एक टीस्पून, भुना कुटा जीरा एक टीस्पून, बेसन एक कप, कुकिंग ऑयल एक कप, खाने का सोडा हाफ टी स्पून, चीनी 3 से 4 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। तरकीब: सबसे पहले दही को अच्छी तरह फेंट लें, और अगर आपको मीठे दही बड़े खाने हैं तो बताई हुई चीनी की मिकदार डालकर इसमें अच्छी तरह फेंट लें। अब एक खुश्क बाउल में बेसन को अच्छी तरह छान लें, नमक, भुना कुटा जीरा और सोडा डालकर पानी की मदद से इसका गाढ़ा बैटर तैयार कर लें। ख्याल रहे कि बेसन इतना गाढ़ा हो कि चमचे से आराम से ना गिरे। अब एक पैन में ऑयल को गरम करें। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें चमचे या हाथ की मदद से इस बैटर की छोटी छोटी बॉलें डालना शुरू करें। अब इसे 2 मिनट तक पकने दें। 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक अच्छी तरह पकने दें। ख्याल रहे कि आंच मीडियम हो। इसके बाद इसे स्पाइरल चमचे की मदद से बाहर निकाल लें और बाकी बचे हुए बैटर को भी इसी तरह फ्राई कर लें। अब इन फुलकियों को पानी से भरे बाउल में 8 से 10 मिनट तक भिगो दें। फिर एक एक फुलकी को एहतियात से बाहर निकालें और हथेलियों की मदद से प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और एक बाउल में डालते जाएं। जब सारी फुलकियां एक बाउल में इकट्ठी हो जाएं तो फिटा हुआ दही ऊपर से डाल दें। अब इन्हें 10 मिनट तक के लिए रख दें। फिर ऊपर से चाट मसाला छिड़क कर छोटी छोटी प्यालियों में ख्याल से निकालें, सर्व करें और एंजॉय करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।